भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब कांग्रेस का पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर भी बड़ा विचित्र है। भाजपा का देखो, एक तरफ मोदी दूसरी तरफ शिवराज। कांग्रेस को ये नहीं पता कि कमल खिलेगा या ज्योति की बत्ती बुझेगी। सोचिए आप, मैदान जंग में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सेनापति घोषित किया है। सोचिए आप, कांग्रेस पार्टी अभी तक ये नहीं तय कर पाई कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है। जब मैंने कहा कि विचित्र है भैया, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अब तक ये तय नहीं कर पाए कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, तो मेरे कार्यकर्ता भाई ने मुझसे कहा, दीदी जब चुनाव जीतना ही नहीं है तो काहे मुख्यमंत्री का दावेदार। इसलिए आपसे, जनता जनार्दन से आज कहने आई हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी जो अब तक अपना नेता तय नहीं कर पाई, वो जनता के प्रश्नों का समाधान क्या खाक दे पाएगी। इसीलिए 28 तारीख को घर के बाहर आए, कमल का बटन दबाए और सुनिश्चित सेनापति शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए, दिलीप सिंह को अपना आशीर्वाद देकर इनको विधानसभा ले जाए। आज ये निवेदन करने आपके मध्य में आई। जय घोष माँ भारती का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का ये संस्कार है कि भाजपा के कार्यकर्ता ने, भारत की जनता ने माँ भारती को भूमि का टुकड़ा नहीं माना, जननी माना अपनी। कांग्रेस का संस्कार देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जाकर हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी के कैंपस में नारा देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो। आज आप सबसे कहने आई हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी भारत के टुकड़े होने का इंतजार करती है, उस कांग्रेस पार्टी को अपना वोट ना दे, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे, जो माँ भारती की रक्षा को अपना संस्कार मानती है। बात चली है कांग्रेस के अध्यक्ष की, तो एक तरफ अगर आप हमारे प्रत्याशी दिलीप जी से बात करें, खेती की, भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब कांग्रेस का पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर भी बड़ा विचित्र है। भाजपा का देखो, एक तरफ मोदी दूसरी तरफ शिवराज। कांग्रेस को ये नहीं पता कि कमल खिलेगा या ज्योति की बत्ती बुझेगी। सोचिए आप, मैदान जंग में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सेनापति घोषित किया है। सोचिए आप, कांग्रेस पार्टी अभी तक ये नहीं तय कर पाई कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है। कार्यकर्ता से जब मैंने कहा कि विचित्र है भैया, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अब तक ये तय नहीं कर पाए कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, तो मेरे कार्यकर्ता भाई ने मुझसे कहा, दीदी जब चुनाव जीतना ही नहीं है तो काहे मुख्यमंत्री का दावेदार। इसलिए आपसे, जनता जनार्दन से आज कहने आई हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी जो अब तक अपना नेता तय नहीं कर पाई, वो जनता के प्रश्नों का समाधान क्या खाक दे पाएगी। इसीलिए 28 तारीख को घर के बाहर आए, कमल का बटन दबाए और सुनिश्चित सेनापति शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए, दिलीप सिंह को अपना आशीर्वाद देकर इनको विधानसभा ले जाए। आज ये निवेदन करने आपके मध्य में आई। जय घोष माँ भारती का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का ये संस्कार है कि भाजपा के कार्यकर्ता ने, भारत की जनता ने माँ भारती को भूमि का टुकड़ा नहीं माना, जननी माना अपनी। कांग्रेस का संस्कार देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जाकर हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी के कैंपस में नारा देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो। आज आप सबसे कहने आई हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी भारत के टुकड़े होने
पार्टी है उस कांग्रेस पार्टी को अपना वोट न दे, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे जो माँ भारती की रक्षा को अपना संस्कार मानती है। बात चली है कांग्रेस के अध्यक्ष की, तो एक तरफ अगर आप हमारे प्रत्याशी दिलीप जी से बात करें।